लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सीता, तेरा दामाद राशन के दुकान की चमेली के साथ घूमता था ना, अब भी उसके साथ घूमता है क्या? छोड़ दिया? वो तो उसे छोड़ के किसी और के साथ घूम रहा है। अरे भागो भागो, करने की कोशिश की, मार डालूंगा। छोड़ेगा नहीं। चुप चाप खड़े रहो सब लोग। जमाने में राक्षसों का संहार करने भगवान आ जाते थे, इन आदमखोरों का संहार करने के लिए कौन से भगवान आएंगे? बचा लो भगवान। हिलना मत बोला ना। इनके भैया। आजा मेरा बच्चा, भगवान तुम्हारा भला करे भैया। आगे देख। अंदर जाओ। अब बहुत हो गया, मुझे पानी भरने जाने दो। शे, 5 मिनट रुक नहीं सकती थी क्या? अरे यार, अरे बाप रे। ए चक्री, तुम लोग किस दिन पुलिस वाले बनोगे? हफ्ते में एक बार चोर पुलिस का ट्रेनिंग करके सारे मोहल्ले को परेशान कर रखा है तुमने। ओहो, अपनी बकवास बंद करो। इस नाइंसाफी को रोकने वाला भगवान कब प्रकट होंगे, यही हर वक्त मैं बोल बोल के मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे बेटा चक्री। वीरप्पन को मारने वाले विजय कुमार की तरह या हमारे राकेश मारिया साहब की तरह हमारी फोटो भी अखबार में छपेगी ना, तब देखना। अरे, लोग तो यही कहेंगे, लड़का हमारे मोहल्ले में पला बड़ा है। और कहेंगे ये लड़का मेरी गोद में दूध पीकर बड़ा हुआ है। वाह, कमाल का छोरा है जी। ओहो, वाह वाह करके तारीफ करोगी ना, तब पता चलेगा। आज हम ऐसे हैं, कल अपना फ्यूचर भी अलग होगा। ए डार्लिंग, किसी को भी इस तरह नीचे दिखाना गलत है रे बुढ़िया। कल मुहे कहीं के। देखो बेटा, मैं भी तुम्हारी दादी जैसी हूँ, तुम बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर बनो, ये मेरी भी ख्वाहिश है बेटे। नागू, नागू। क्या है जी?
वो कचरे की फाइल कहाँ है? उस कचरे के डिब्बे में ढूंढो, मिलेगी। अरे वो कॉर्पोरेशन वाली। ओफो, आपकी कॉर्पोरेशन की भाषा मैं कहाँ समझूंगी, उस टेबल पे ढूंढो, मिलेगी। कहाँ पे है? हाँ ये रही, ये रही, ये रही। मैं चलता हूँ। हाँ? पापा, पापा, हाँ? क्या है? पापा, मुझे 100 रुपया दे दो ना। किस लिए? किस लिए मतलब, मुझे बैंगल्स, स्टिकर्स, हेयरबैंड वगैरह लेना है। नहीं बेटा, ये सब पिछले हफ्ते तो लिए थे। माँ, तुम इन्हें समझाओ ना। माँ क्यों जी, 100 रुपए दे दो, लड़की जो है छोटी मोटी चीजें लेनी पड़ती है। वही भैया के लिए, जिम के लिए, पेट्रोल के लिए, क्या क्या 1000 रुपए दे देते हैं। देखो, कल को उसे पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती होना है, बॉडी वगैरह मेंटेन करने के लिए खर्चा कर रहा हूँ। तुझे किस चीज की कमी है? तेरी शादी के लिए, दहेज के लिए, कपड़ों के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ ना, एक ही बार में दे दूंगा, लेकर ससुराल चले जाना। हाँ मारने की एक्टिंग करने को बोला था, सचमुच लात मारी। चक्री, बेचारे को लात क्यों मारी तुमने, इसकी तो टांगे तोड़नी चाहिए थी। दादी। हेलो दादी। मेरी बच्ची चक्री, मेरी पोती है। दादी, ये ब्लैक कैट कौन है? ये तो अपने विश्वनाथ का बेटा है चक्री, यही ऊपर रहता है। हाय। ओह हाय हाय हाय। अरे क्या मवाली? और ये कौन है? I am SM कृष्णा, सीरियल मूवी कृष्णा, राइटर। और मैं जो हूँ इनका असिस्टेंट हूँ। और बाय द वे बुढ़िया, बूढ़े को मरे हुए तो बहुत साल गुजर चुके, और इस उम्र में ये नई पोती कैसे? ए चुप काले कौवे, उनके सामने मेरे बेटे की शादी हुई थी और उसी की बेटी है ये मेरी पोती, समझा क्या? छुट्टी बिताने दिल्ली से आई है, समझा क्या? गधे के पिल्ले, चलो बेटी। बाय। क्यों भाई, आज भी आपकी ब्लैक कैट ट्रेनिंग है? किस भयानक घड़ी में इसे पुलिस वाला बनाने का फैसला किया था अंकल आपने? ब्लैक कैट ऑपरेशन, ऑपरेशन बोलकर मेरे सारे पार्ट्स का ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। पापा उसे 100 रुपए दीजिए ना। नहीं, दे दो ना पापा। अरे घर में मना कर चुका, मेरी इज्जत मत उतारो। मुझे उधार दे दो, मैं बाद में देता हूँ। दे दो, दे दो, दे दो। लो बेटा। थैंक यू भैया। अच्छा कल सुबह सिलेक्शन है, पता है ना, भूल मत जाना। हाँ जी पता है, पता है। बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर, कैंडिडेट सारे रेडी हैं सर। ओके। यही है वो कड़क ऑफिसर। नाम है शिवाजी राव। एक एक को भेजो। नमस्ते सर, मेरा नाम रामेगौड़ा है सर, आपकी जात का हूँ। देखिए स्वामी जी ने आपके लिए ये खत भेजा है सर। अच्छा स्वामी जी ठीक तो हैं? जी सर। सुन लिया, वहाँ पे खड़े रहिए। ओके सर। नेक्स्ट। सर 3 सालों से सिलेक्शन नहीं हुआ। खड़े रहो सर। जाओ खड़े रहो। सर मंत्री जी का फोन है। हेलो सर। नमस्ते सर, मैं तो ठीक हूँ सर, बस आपकी दुआ है सर। करूंगा सर, हाँ जी कर दूंगा। नाम क्या बताया? हाँ आई सी, मूव। आई सेड मूव। राकेश है वहाँ? मैं हूँ सर, वही सर, मंत्री जी का रिलेटिव मैं हूँ सर। हाँ सर यहीं पर है सर, बाकी का मैं देख लूंगा सर। हाँ तुम उधर खड़े हो जाओ। थैंक यू सर। नाम क्या है? चक्रधर सर। ये सब क्या है? स्कूल कॉलेज और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट सर। रिकमेंडेशन है क्या? नहीं सर। किसी को खिलाया पिलाया कि नहीं? उसकी जरूरत नहीं सर। तो किस भरोसे आए हो यहाँ? मुझे खुद पर पूरा भरोसा है सर। रिकमेंडेशन क्यों चाहिए सर? मुझ में आत्मविश्वास है, इस नौकरी के लिए मैं काबिल हूँ। उस तरफ जाके खड़े रहो। तुम सही कह रहा हूं, सुना नहीं तुमने क्या? नेक्स्ट। हाइट और वेट सब कुछ ठीक है, मगर जो कुछ इनको चाहिए वो कहां से लाएं? सर रिकमेंडेशन नहीं है, उनका क्या करें? ग्राउंड में भेजो इन इन्फ्लुएंस वालों को। इन्हें बाहर भेजो। यस सर। सर ये रिकमेंडेशन एप्लीकेशन वापस देंगे तो फिर से सिलेक्शन में आएंगे।
थैंक यू सर, ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नो नो नो, नेवर। एक पुलिस ऑफिसर बनने वाले को इस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिस दिन एहसान की बात आएगी वहीं पे असली समस्या शुरू होगी। हमारे जात के स्वामी के एहसान तले अगर मैं दबा होता तो तुम लोग यहां नहीं होते। एक दारू वाले का, रॉडी शीटर का पुलिस पे एहसान हो तो उनके हर एक धंधे में पुलिस को मदद करनी पड़ेगी। एक पुलिस वाला पुलिस डिपार्टमेंट का ही एहसानमंद होता है। सर, मुझ जैसे ऑफिसर के आगे सीना तान के बहुत हिम्मत से जवाब दिया। तुम्हारे में जो दम है ना वो जरूरी है। आगे रिटर्न एग्जाम्स भी होंगे, मेहनत करो। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। हर जंग में मैं एक सोल्जर याद रहे, जीवन में स्वीट मेरा नेचर ए भूल न जा। सच्चाई यह सच्चाई, सच्चाई यह सच्चाई। हर जंग में मैं एक सोल्जर याद रहे, जीवन में स्वीट मेरा नेचर ए भूल न जा। सच्चाई यह सच्चाई, सच्चाई यह सच्चाई। शख्स हूँ बड़ा सच्चा है जो मुझे छूने वाले जल जाते हैं यारो, है ना। हाथों में कमाल, हर पल है धमाल, मेरी राहों में जो आए वो घबराए, है ना। इन आँखों में आग है जल जाओगे, मशीन गन है बाहें मेरी ओके। इन नजरों से घायल करूं वो शोला हूं, कोई भी आए सामने ओके। सच्चाई, चाई, चाई, चाई। हर जंग में मैं एक सोल्जर याद रहे, जीवन में स्वीट मेरा नेचर ए भूल न जा। सच्चाई यह सच्चाई, सच्चाई यह सच्चाई। छोड़ दो जीत की ओर चलो, हार का नाम हमें है नहीं लेना समझे। अपनी एज है जीने का क्रेज है, हमको आगे बढ़ते हैं जाना। चाहे हम पे वार हो गोली लगे, झुकता नहीं सर कभी ओके। जो डर गया वो मर गया तो क्या समझे, हम जीते हैं शान से ओके। सच्चाई, चाई, चाई। हर जंग में मैं एक सोल्जर याद रहे, जीवन में स्वीट मेरा नेचर ए भूल न जा। सच्चाई यह सच्चाई, सच्चाई यह सच्चाई। चाई, चाई। पापा मम्मी को तो पसंद है। तुम्हें पसंद है क्या? मुझे भी पसंद है। क्यों शाने?
मार्केट यार्ड की जमीन की फाइल पर दस्तखत करने के लिए पैसे भेजे थे। नहीं करूंगा। किसने भेजा है ये कहकर मेरे छोकरे को वापस भेजा था? मैं ही हूँ। अब दो में से किसी एक को चुनना होगा तुझे। पैसे लेकर साइन करेगा वरना। ये दोनों को उठा लो। सब लोग देख रहे हैं। पब्लिक प्लेस में ये सब लेना गैर कानूनी है। कल सुबह को ही कैंटीन के पास 10 बजे आकर रुकना। वहां के साइन कर दूंगा। उठा लो। नमस्कार सर। नमस्ते। आजा आजा, सही वक्त पे आ गया तू। हाँ, यहाँ बैठते हैं। रिलेशनशिप इसी तरह से आगे बढ़े तो तेरा फायदा है। ये जो है मेरा बेटा है, ऐसे रिलेशनशिप वगैरह यही मेंटेन करता है। चक्री, बेटा इनका ख्याल रखना। मुझे काम है, मैं चलता हूँ। नगप्पा, कैंटीन में आज बहुत डैमेजेस होंगे, ये लो। ओके, कैंटीन क्लोज। कल जिस तरह की हिंदी फिल्में आ रही है ना, इंग्लिश फिल्म के सीन को हुबहू चोरी कर लेते हैं, वैसे ही हम भी चोरी करके एक ब्यूटीफुल हिंदी सीरियल बना देंगे। सब लोग गुटखा खा के हमारे मुंह पे थू करके थूक देंगे। हेलो, नमस्ते जी, बैठ सकता हूँ? नमस्ते, बैठिए बैठिए, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। यस। मैं हूँ एक टीवी सीरियल प्रोड्यूसर। एक मिनट। हेलो, एक इंटरनेशनल चैनल से बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, बात कर सकता हूँ? बिंदास बोलो। मुझे एक सीरियल बनाना है। तुम मैं क्या करूँ? आप लिख के दीजिए ना। नहीं होगा ना, बोला ना। फोन रख। अरे फोन रख, कहाँ से आ जाते हैं। बड़ा आया, इंटरनेशनल चैनल के लिए सीरियल लिखने को बोल रहा है। अपने पास टाइम ही किधर है? आप बोलिए सर। एक सीरियल लिखवाना। लिख दूंगा।
पर एक बात है, कल को क्या होगा ये ऑडियंस को पता ना चले। लिखने वाला ही नहीं जानता तो ऑडियंस को कहाँ से पता होगा। कुछ नहीं, कितने एपिसोड्स लिखने हैं? देखिए, एक लड़की पैदा होगी, बड़ी होगी, शादी करेगी, उसके बच्चे होंगे, उनके बड़े होने से मरने तक आपको लिखना होगा। ओ, रबर की तरह खींचो मत, सीधा बोल दीजिए। मेगा सीरियल बनाना है तो मैं लिख दूंगा, इनकार थोड़ी करना, अपना काम है लिखने का। पूरे 1000 एपिसोड लिखने होंगे। 1000 एपिसोड? बस, एक एपिसोड के 1000 रुपए लेंगे, 1000 एपिसोड के 1,00,000 होंगे बॉस। थू, तेरा हिसाब तेरे पास ही रख। 1,00,00,000 रुपए बॉस। हैं, पर एक बात है, हिंदुस्तान के कोने कोने में जिसे औरतें पसंद करें कुछ ऐसी कहानी लिखो। सर, सिर्फ देखेंगी नहीं, इस तरह जमीन पे गिर के रो धो के अपने बाल नोच नोच के आंसू बहाएंगी, ऐसी सुपर सॉलिड सीरियल लिखूंगा ना, आप याद रखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। एक हफ्ते में लिख के दे दूंगा। लीजिए मेरा विजिटिंग कार्ड। कार्ड देखते ही मेरा मूड बन गया है। ठीक है, आप जाइए जाइए। तेरा घर बर्बाद हो। सर, मुझे सीरियल के लिए नाम मिल गया है, तेरा घर बर्बाद हो। ए, क्या घूर रहा है उसे? कल के पुलिस वाले हैं। कल पुलिस बनेंगे तो लड़की को नहीं देखें क्या? मर्द है भाई। देखो ये बताओ, इसे क्या टेंशन है? आई डोंट नो। ए, क्या हुआ रे? ए, बोल ना। कुछ नहीं, एक हिंदी मेगा सीरियल के लिए अप्रूवल मिल गया है और टाइटल ट्यून भी मुझे ही बनाने को बोला है। टाइटल है तेरा घर बर्बाद हो। बॉस, मैं एक ट्यून देता हूँ बॉस। बोलो 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 प्लीज। ये काली काली आंखें, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गक। काली काली आंखें, काली काली आंखें, कुछ नया सोचने को बोला है, सोच। तेरा घर भाड़ में जाएगा मेरे भाई, तेरी बीवी बन जाएगी मेरी लुगाई। मेरे को मार मार के गंजा कर डालेंगे। कुछ अंदर से सोच यार, दिल से सोच, कॉपी मत कर इडियट। यही सबसे बड़ी जेरॉक्स मशीन है, मुझे कहता है कॉपी मत करो। सुपर हिट याद आ गया। तेरा घर बर्बाद हो, तेरा घर बर्बाद हो, तेरा 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 घर बर्बाद हो। लोग बेहोश हो जाएंगे। जब से उठी हूँ सब गड़बड़ हो रही है, नहाना, पूजा, नाश्ता। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट बस कब तक आएगी? मैडम, यहाँ BST बस जो है बिल्कुल सुपर डुपर हिट ट्यून की तरह है, जब चाहे तब नहीं आती, आने के बाद ही गारंटी है। 10:30 इंटरव्यू है, ऑलरेडी 10:15 हो गए हैं। बेचारी। मैं ड्रॉप करता हूँ, चलिए। देखो देखो, कहता हमें लाइन मत मारो और खुद ही लाइन मार रहा उस पर। देखिए, जब बस में जाती हूँ लेडीज के बगल में बैठती हूँ, ऑटो में जाना होगा तो अकेली जाती हूँ। ऐसे में आप बाइक पे ले जा रहे हैं, खड्डे वड्डे आएंगे, जंप्स आएंगे, जब ब्रेक लगाएंगे बॉडी को बॉडी टच करेगी तो गुदगुदी होगी ना। इन्हें क्या हो गया है? बीमारी। ये भी हो गया है। बेचारे। एक काम करो। क्या करूं? क्या बात है? बैक टू बैक। ये वहां देख, आइडिया अच्छा है ना? हाँ, काश हमें भी कोई ऐसा मिल जाए। ओफो, 10:20 हो गए, 10 ही मिनट रह गए, जल्दी चलो प्लीज। चुपचाप पढ़ते रहिए, मैं ड्रॉप करूंगा। अरे, छोटी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पीठ पीछे बोलने वाले मुझे पसंद नहीं, इसीलिए। ए, कौन है रही है? हम लोग गाड़ी खरीदते हैं ताकि लड़की को लेकर घूम फिर सके, ये कौन है जो सिस्टम को ही बदल रहा है? अरे यही है, एक्सक्यूज मी, रुकिए प्लीज, मेरा इंटरव्यू यही होने वाला है। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई है। भोसले, इंस्पेक्टर भोसले। सर, ये नया कैंडिडेट कौन है? क्या किया? ये चैनल का कैमरामैन है, मिनिस्टर मालिक अप्पा के घर पे इंटरव्यू लेने गया। रोलिंग सर, मैं गलत किया?
किया है? गलती की। मंत्री जी की बेटी मुस्कुराई, इसमें इसकी क्या गलती है? उसे पसंद आ गया, मतलब ये बड़ा हैंडसम है, यही गलती है। मंत्री जी को अच्छा नहीं लगा। मैं भी मीडिया वाला हूँ, तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। पहले यहाँ से तो बच ले। सर, ये तो मर गया है। भोसले, वो मिल गया है। हाथ निकाला या टांग? बहुत बोल रहा था, मैंने उसे मार डाला। और लाश? रेलवे ट्रैक पर, ट्रेन आएगी, गुजरेगी, जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मीडिया वालों को एक अनाथ लाश मिलेगी। अरे सुनिए, आपकी जो लाडली है ना, उसकी शादी करा दो, वरना मुस्कुराएगी वो और कत्ल मुझे करने पड़ेंगे। नमस्ते। नमस्ते जी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। कैसे जी? कोई बात नहीं। बटाटा वड़े की तरह है। ये बैक टू बैक यहाँ क्यों आ गई? तूले की बहन हो सकती है। ये है मेरी बहन रेणु। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आइए अंदर चलिए। आओ बेटा। मेरी बात सुनो, लड़का और लड़की को एक दूजे के साथ दिल खोल कर दिल की बातें करने की इच्छा होती है, इन दोनों को बातें करने दो। चलो यहाँ से। चलो 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 चलो, ठीक से बात कर। क्या है? तुम भी यहीं रुको। ए, मैं क्यों रुकूं? बैठो। क्या हुआ, डरती हो? चुप रहो। थैंक्स। किस लिए? सही वक्त पर पहुंच गई थी, इंटरव्यू देकर आई ना, रिलायंस कंपनी में नौकरी मिल गई। थैंक्स। आप क्यों थैंक्स बोल रहे हैं? आपको लगा थैंक्स बोलना चाहिए, इसलिए। आप क्या नौकरी करते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में ट्राई कर रहा हूँ। आप गाना गा लेते हैं? भैया, जो सवाल लड़का लड़की को पूछता है वो तुम लड़के से पूछ रहे हो? उसे कौन पूछ रहा है, बगल में जो बैठी है उसे पूछ रहा हूँ। पसंद है? पसंद है। आपको पसंद है? हाँ? ओ, नहीं नहीं, मैंने पूछा कि आपको मेरा भाई पसंद है। पसंद है। कहिए। भैया, शादी तेरी है या मेरी? दोनों की। मतलब? तुम्हारी और उनकी दोनों की। क्रिश, मिनी, उन दोनों की शादी होने वाली है ना? हाँ। तो ये दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं? ये बात मैं समझाऊंगा। देखो, बात ये है, आंखों में आंखें डाल के, होठ से होठ मिला के, बाद में दिल से दिल मिलाकर। इस राइटर में तो कुछ ज्यादा ही करंट दौड़ रहा है, इसका मुझे लगता है कनेक्शन कट करना होगा। ए, क्यों रे, मेरी पोती का हाथ क्यों पकड़ा तूने? नहीं दादी, मैं तो एक्टिंग प्रैक्टिस करा रहा था। मैं आती हूँ, प्रैक्टिस कराना, मुझे कराना। ए, चल कमीना। मिनी। ए, कौन कमीना उस बूढ़ी को यहाँ ले आया? हाँ, फंक्शन खत्म हो गया, अब चलना। तू आगे चल। दोनों शादी एक साथ करने का फैसला कर लिया ना? क्या बोला? मेरा मतलब है, इन दोनों की बात हो गई ना बेटा। क्या फैसला हुआ जी? हम दोनों के माँ बाप तो जिंदा नहीं है, जो भी फैसला लेना होता है मैं और रेणु ही लेते हैं। मुझे लड़की पसंद है। तुम क्या कहती हो बेटी? तुम क्या कहते हो बेटा? मुझे डबल ओके।
एक अच्छा सा दिन देखकर मंगनी भी कर देंगे जी। आप तैयारी शुरू कर। हाँ जी। आती हूँ। किस दिन? मतलब? आती हूँ बोला ना, तो कब आओगी? ऐसे ही। वही किस दिन? नहीं ये तो बोलने की बात है ना। यानी मिलना नहीं चाहती? हाँ मिलूंगी। कहाँ पे? वहीं पे। कहाँ पे? रिलायंस शोरूम। What can I do for you? Connection चाहिए। Go there। नहीं मुझे connection वहाँ से चाहिए। Okay। Hi। Just a sec। Hi। आप यहाँ कैसे? आपके लिए ही आया हूँ। Connection के लिए आए थे ना यहाँ आप? वही connection के लिए तो मैं इनके पास आया। कहिए कौन से plan में दूँ? लाइफ टाइम प्लान दो, जो कि लाइफ लॉन्ग हो तो अच्छी बात है ना। लाइफ टाइम प्लान? ऐसा कोई प्लान हमारे पास नहीं है। आपको प्रीपेड चाहिए पोस्टपेड चाहिए? पोस्ट में तो देर हो जाएगी, प्री में ही खत्म कर देंगे। तुम क्या खत्म करोगे? प्लान को। प्लान? आपको स्पेसिफिकली कोई एक नंबर चाहिए? वही 3 घंटे 7 कदम 100 साल। क्या कहा? वही 3337100 नंबर। ओके, सब कुछ मंजूर है, लिखकर इस एप्लीकेशन पर साइन कर दीजिए। साथ में आप साइन करेंगी? व्हाट? वही रजिस्टर मैरिज के सॉरी एप्लीकेशन पे साइन तो करेंगी ना? ये तो साइन नहीं करेगी, स्टैम्प जरूर लगा देगी। एक्टिव होने के लिए कितना टाइम चाहिए? 48 आवर्स। थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? 24 आवर्स। शायद मेरी प्रॉब्लम तुम समझती नहीं हो। मैं अब कुछ कुछ समझ रहा हूँ। आप यहाँ आए हैं रिलायंस कनेक्शन के लिए नहीं, लव कनेक्शन के लिए। इस एक्सप्रेशन सिग्नल को देखते ही इस टावर में पहले से हर्ट को एक्टिवेट कर चुका है मेरे ख्याल से। एक आधे घंटे का टाइम देता हूँ लव का, अच्छा सा गाना गा लो, इंजॉय। चलिया चलिया चलिया, तुझको ही मैंने ये दिल दिया। चलिया चलिया चलिया, तुझको ही मैंने ये दिल दिया। हर दिन हर पल मैं बस तुझको ही चाहूँ, भूल न जा जानम कि अब मैं बस तेरा हूँ।
चलिया चलिया तुझको ही मैंने ये दिल दिया हर दिन हर पल में बस तुझको ही चाहिए भूल न जा जाना अब मैं बस तेरा हूँ पता था इसलिए सही है ना सही करा चले कैसा है अच्छा है दूसरे जेवर में और मंगलसूत्र में काफी फर्क होता है सीरियल का कोई नया सीन मिल जाएगा मतलब अंगूठी कंगन चेन इन सब को तुम एक बार ट्राई कर सकते हो पर मंगलसूत्र में ऐसा नहीं कर सकते राइट क्या सॉलिड पॉइंट मिल गया रे बस संता कपूर के लिए जो सीरियल लिख रहे हैं विधवा उस सीरियल में लिख डालो ये पॉइंट धमाका हो जाएगा यही एक पॉइंट काफी है 10 एपिसोड खींच लूंगा ये कैसा है ओके लड़कियां झुमके क्यों पहनती है बस वहाँ एक पॉइंट और आ रहा है देखो पता नहीं आपको पता है मुझे भी पता नहीं इसका कुछ ज्यादा ही हो गया वो रिंग दिखाएंगे कैसी अच्छा है क्या प्राइस है बस 1,00,000 रुपया 1,00,000 हाँ मैडम ओरिजिनल डायमंड रिंग है सर ले लीजिए ना मैडम को बहुत पसंद आया है सर ये बताइए आप क्या काम करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा हूँ और क्या चाहिए पुलिस वालों को तो हफ्ते में कम से कम 1,00,000 रुपए मिल ही जाते हैं लोग पुलिस के बारे में ऐसी घटिया बात मत करो पुलिस वाले सब क्या पुलिस क्या पुलिस क्या कहा तुमने क्या कहा क्या मतलब है तुम्हारा बोलो पूरी करो अपनी बात क्या कहा तुमने हाँ जो मुंह में आए बक रहे हैं आप डैमन बोलो ना उतर नहीं रही क्या हुआ रेनू निकल नहीं रही है लाओ मैं ट्राई करती हूँ अरे ये तो निकल ही नहीं रही वो निकलेगी भी नहीं हमें पता है ऐसा होता रहता है इसलिए हम इसे भी रखते हैं क्यों उंगली काटनी है काटनी भी पड़ती है उसकी जरूरत नहीं है चलें चलो चका चका एक्सक्यूज मी उंगली के लिए चाकू रखा है सपोज मैं एक सोने का जेवर लेकर इसके कमर में बांध कर लॉक कर दूंगा तो क्या करोगे उसका भी रास्ता है वो क्या है बेटा ये है भैया इन्हें जाने का रास्ता पता नहीं है मैं ही लेकर जाती हूँ बाय बहुत काम काम होता रहता है ये तो चले गए ओह बेचारी को कुछ भी नहीं पता जानबूझकर देर से आई और अब नाटक कर रही है ये बताओ तुम्हारा प्रोग्राम क्या है हमसे ऐसा पूछ रहा है यार तेरा प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम अरे फैमिली वाले लंच करने जा रहे हैं फैमिली मतलब तुम दोनों
हमें क्या फोकट के गुलाम समझ के रखा है यार। जब तक लाइन सेट ना हो तब तक तुम्हें फ्रेंड चाहिए। एक बार सेट हो जाए तो फ्रेंड्स को कौन पूछता है। बाप रे। हेलो कुछ कहा क्या? तेरी मरी हुई दादी की कसम खाकर बोल के तूने कुछ नहीं सुना? रेनू इन वेस्ट बॉडी से बात करना ही बेकार है। वेस्ट बॉडी बोला? वो लड़की गाड़ी पर कैसे बैठेगी देखते हैं। मैडम हमें सच सच बताइए। पूछो। कि इस रास्ते पर खड्डे वड्डे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। स्पीड ब्रेकर नहीं होंगे क्या? वो तो होंगे। बॉडी से बॉडी टच होकर आपको गुदगुदी होती थी, अब नहीं होगी। हाँ, होगी। साहब अचानक ब्रेक मारेंगे तो यूं पकड़ लूंगी। गुरु ये लड़कियाँ कब हाथ थामेगी कब टांग देगी कुछ समझ में नहीं आता है। अबे लड़कियों के दिल की बात तो समझता नहीं तो क्या खाक राइटर है। ये बताओ जिस अंगूठी को कोई भी नहीं निकाल पा रहा था उसे तुमने आसानी से कैसे निकाल लिया? मन में वैसे लड़के का हाथ छूते ही कोई भी लड़की पिघल जाती है। तुम्हें कैसे पता? पता है मेरी कई सारी गर्लफ्रेंड्स है, ऐसा होता रहता है। चलो अब चलते हैं। ओके। भैया अब ये घर जाना चाहते हैं। जाने दो। हा? तुम यहाँ बैठो। मजाक मत करो। पूछने की बात है, जाओ। बंद। अब फिर से निकलना होगा। अंकल सॉरी, अंकल सॉरी। आ मम्मी। अरे अरे साहब इस बच्चे को क्यों मारते हो? सॉरी सर, तो क्या करूं, तेरे को मारूं क्या? ये ले। रुको बिल दे के आता हूं। बदतमीज आदमी। ए रुक रुक, कौन है बे नॉनसेंस? तेरे घर के आगे किया क्या? क्यों तेरा बाप नहीं करता? ए तमीज से बात करो। ग्राहक का इंतजार ही तो कर रही है ना, तुझसे तमीज से बात करूं? फिक्स हो गया या खाली? क्या हुआ? शराब पीकर कैसे बदतमीजी कर रहा है देखो। चल रुक, यही है क्या तेरा ग्राहक? लुक, पब्लिक में जरा इज्जत से बिहेव करो। नहीं करूंगा तो क्या उखाड़ लेगा? न्यूसेंस केस बुक करवा के अंदर करवा दूंगा तुम्हें। केस करेगा? मुझ पे करेगा? तू करेगा? हे करना करना। चक्री प्लीज छोड़ दो उसे। चक्री छोड़ो ना भैया, प्लीज छोड़ दो उसे। ए
चलो, जल्दी चलो। क्या हुआ यहाँ? वो इंस्पेक्टर भोसले है ना, वो हमेशा की तरह दारू पीकर एक लड़की को छेड़ रहा था। उस लड़की के एक दोस्त ने आकर उसे ऐसा मारा सर जी, कुत्ते की तरह। इंस्पेक्टर बेहोश। सर, बेहोशी की दवा लेंगे तो दर्द पता नहीं चलेगा। नहीं, दर्द को महसूस करने दो। दर्द होता रहेगा तो उस कमीने की शक्ल याद रहेगी। सर वो कौन? पता नहीं। ओके ओके ओके, सॉरी डॉक्टर। वो कमीना 25 से 30 साल का छोकरा होगा। वो शहर के किसी भी कोने में हो ढूंढ निकालो। रॉडी, शूटर, दादा, भले कुछ भी हो, पकड़ के अंदर डालो। होटल चलाने वाले, दुकानदारों को भी, सभी 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 को उठा कर ले आओ। जाओ 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 जाओ। सर, आप इस तरह से हिलेंगे तो स्टिचेस खुल जाएंगे। सॉरी 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 डॉक्टर, स्टिचेस खुलने के बाद घाव सूख कर ये निशान तो मिट जाएंगे ना। सॉरी सर, नहीं मिटेंगे। हे, आईना 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 ला। गलती तेरी नहीं है। देखो वहाँ जो बैठे हैं ना, मेरा बेटा हर काम सही करता है, यही सोचकर खुश है ना? उनकी गलती है। और कम से कम लड़कियां साथ में थी, इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए ना। वो थी इसीलिए तो बच गया, वरना उसकी कहानी। मुंह बंद कर, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। अरे अरे अरे, मेरे बेटे से ज्यादा तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है? मेरा बेटा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला सिपाही बनेगा, यही मेरी इच्छा है और इसकी भी। वाह, क्या मस्त डायलॉग है चाचा, अभी इसे लिखकर अपनी सीरियल में डाल दूंगा। थोड़ी सी ओरिजिनलिटी तो रखो। ये तो कमाल से भी कमाल का डायलॉग है। ए, यहाँ चक्री कौन है? यहीं पर है, क्या काम है? रात गार्डन रेस्टोरेंट में झगड़ा तुम्ही ने किया था ना, चलो साहब बुला रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। कल क्यों मारा उसे? उसे छोड़ के गलती की सर, लात मार के पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था। किसी भी पुलिस स्टेशन में उसका केस दर्ज नहीं होगा। इसलिए? क्या वो कोई बहुत बड़ा राउडी है सर? पुलिस, राउडी पुलिस मिनिस्टर्स और गुंडों को हाथ में रखता है, खिलाफ जाने वाले को मार डालता है। उसका नाम कातिल भोंसले है। दिव्या! दिव्या! इंजेक्शन ले लो, वहाँ इंजेक्शन है। चक्री जल्दी लाओ, मेरी बात सुनो, आ जाएगी वो। चक्री जल्दी ले आओ, जल्दी लाओ। संभालो अपने, संभालो। देखो सर, ये कौन है? मेरी पत्नी। इसकी हालत की वजह वो ही है। बोलो। मैं समझ गया, समझ गया। क्या हुआ सर? दिल्ली से फोन आते ही मुझे लगा गुड न्यूज है, हुआ क्या? भैया भैया पुकार कर कुत्ते की तरह आगे पीछे घूमता था, आज मुझे ही बिना बताए चुपचाप दिल्ली पहुंचकर कुर्सी से चिपक चुका है। उसे बताए बगैर आप भी दिल्ली गए थे ना? गया तो था, पार्टी के लीडरों को पेट भरकर शराब पिलाई और उनको जी भरकर ऐश करवाई, जो कुछ भी कर सकता था हर वो काम किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ और वो कमीना चुपचाप सेटिंग कर गया। परसों ही मिनिस्टर बनकर शपथ ले लेगा वो। कल ही उसे खत्म कर दूंगा। मुंह बंद करो, जब देखो मारने की बातें करते रहते हो। तुम मेरे आदमी हो ये बात पूरी दुनिया को पता है। कल को तुमने अगर उसका कत्ल कर दिया तो लोग कहेंगे कि मैंने ही करवाया है।
ए मंत्री, उसे मैं नहीं मारूंगा, उसे मारेगा सिद्धा। अपवित्र पवित्र होबा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरे पुंडरीक अक्ष सर्व्यं। हे ऑफिसर, मुझे पहचाने बिना मुझ पे हाथ उठाता है? इंसान को जानवरों की तरह मारने वाला राक्षस है तू। तेरी तो देखा क्या, तूने हाथ उठाया तो कैसे सारा महाराष्ट्र एक साथ चिल्ला रहा है। महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा इंडिया भी चाहे तो तुझे नहीं बचा सकता। चले। सर वो नो, डोंट लिफ्ट द फोन। सर इसके पीछे पॉलिटिकल ताकत है। आई डोंट केयर। सर इसे अदालत में खड़ा करने के लिए एक तो गवाह चाहिए ना। गवाह तो है, चाहे गवाह हो, अदालत में कौन आएगा सर? मेरा गवाह कहीं भी आकर गवाही देगा, क्योंकि गवाह मेरी पत्नी है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मेरी जान चाहिए मुझे। नदी के पास जाकर चुपचाप पूजा करके आना चाहिए था तुझे। सांप के आने तक, फन फैलाने तक, दूसरे को काट कर मारने तक वहीं पे खड़े रहकर तू क्यों मरना चाहती है रे? इंस्पेक्टर साहब, देखिए मुझे मारना चाहते हैं। डरिए मत भाभी। ए, अकल नहीं है क्या? आप तो पॉलिटिशियन हो, शर्म नहीं आती क्या? इंस्पेक्टर, दरवाजा खोलकर कोई कत्ल करता है क्या? खोल दरवाजा, खोल, खोल दरवाजा, खोल तू। जाओ फाइल लाओ। नहीं नहीं देना तेरे को। दरवाजा खोल, खोल, खोल। फोन उठाओ। दरवाजा खोल दे। खोल, तोड़, तोड़, तोड़। खोल दरवाजा। हेलो, यहाँ घर में उस इंस्पेक्टर के साथ कोई आदमी तो मुझे मारना चाहिए। तू नहीं रह सकती। आरती, हेलो। नो, मुझे घर से छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इस औरत के कत्ल का कोई सबूत न बचने पाए। वो पड़ा सिलेंडर, उसे चालू करो। फायर एक्सीडेंट में मर गई होगी ऐसा समझेंगे लोग। माचिस कहाँ है? ए, पकड़ो उसे। मम्मी, मम्मी, बिंदिया, अंदर मत जाओ। मैं आ गई मम्मी। बिंदिया, मम्मी, अब कहाँ है मम्मी? मम्मी, जल्दी आओ ना।
दिव्या। 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 नहीं, तुम्हें न मारे मेरी बेटी को, तुम्हें न मारे, तुम्हें कातिलो मेरी बेटी के, तुम्हें कातिलो। किसी सबूत या गवाह के ना मिलने पर अदालत ने सिद्धा को रिहा कर दिया। उन कमीनों को सर आपने कैसे छोड़ दिया? इसकी खातिर अगर मैं इन सबको मारकर जेल चला गया, इसे कौन देखेगा? लीगली उन पर एक्शन लेने के लिए बस एक ही गवाह का इंतजार है। माय बॉय, दुश्मन को मारने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं है, गुस्से और जल्दबाजी में अखाड़े में उतर रहे हो, कल को अकेले पड़ जाओगे। एक अच्छा इंसान डिपार्टमेंट में आ जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन होगा। मैंने जो सपना देखा था वो काबिलियत तुम में है। लिसन, भोंसले इज ए वेरी डेंजरस पर्सन, अब वो घायल सांप है, जब तक पुलिस ऑफिसर ना बन जाओ उसके सामने मत आना, बी केयरफुल। कौन था वो? पता नहीं सर। तुझे पता है? मुझे भी नहीं पता सर। तुमने उसे नहीं देखा? मैं तो शहर में नहीं था सर। और तू? तू तो वहीं पर था। मेरी माँ की कसम मुझे नहीं पता सर। पता नहीं, अब क्या करूं? वो लड़की कुछ पुकार रही थी, क्या था वो, क्या था वो नाम? चक्री, छोड़ दो प्लीज। चक्री, चक्री, चक्री। ए, उस एरिया में चक्री नाम का जो भी है उसे उठा के लाओ, एक को भी मत छोड़ो, जाओ। ओके सर। तुम लोगों को समझता नहीं क्या, मुफ्त में मार खा लेते हो, जो कुछ पता है बक नहीं सकते। गुरुजी, आज जो इसने मारा ये कोई मार है क्या? वो परसों उसने जो मारा था ना, वही असली मार थी, क्या समझे? टीवी वैलेंटाइन्स डे स्पेशल प्रोग्राम, यहाँ के यूथ प्यार के बारे में क्या कहते हैं चलिए सुनते हैं। सिर्फ आज ही वैलेंटाइन्स डे नहीं है तो क्या साल भर वैलेंटाइन्स डे है? सॉरी, अच्छी लड़की साथ हो तो हर दिन वैलेंटाइन्स डे है। कूल हाँ। प्यार के बारे में क्या कहेंगे? प्यार की कोई जात नहीं होती। तो किसी दूसरे जात के लड़के से प्यार करते हो? हर एक धर्म की एक एक लड़की से प्यार करता हूँ। एक आइडियल लड़के में कौन सी क्वालिटीज देखना चाहेंगी? उसके पास 10 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, हर दिन नई गाड़ी में पिकअप करना चाहिए, करोड़पति होना चाहिए और फिर हमारी शादी होते ही मर जाए तो अच्छा है। Too much. Who's next? Hi Renu. Hi Swati. How are you? I'm fine. चक्री, ये स्वाति है, मेरी क्लासमेट, उदया टीवी में एंकर का काम करती है। स्वाति, चक्री। Hi. Hello. वो मेरी होने वाली भाभी है ना? ये उनके भाई हैं। तुम्हारे लवर हैं क्या? हाँ? हाँ? Wow. Okay. प्यार के बारे में क्या कहेंगे? I'll try. Love. Love is the perfect form of life. प्रेम प से प्यार है, म से मोहब्बत भी है। प्यार का मतलब है खत्म न होने वाला महासागर, ऊंचा हिमालय और तेज सूरज भी। प्यार तो इंसान की सांस की तरह है, वो खत्म होता है सांस रुकने के बाद। ए, हाँ, किस्मत वाली हो जो ऐसा प्रेमी मिला तुम्हें। Heads off to you, boss. सही बोला है तुमने। वाह दोस्त, बहुत बढ़िया। अरे आ जाना मेरी जाना, जल्दी आ जाना मेरी जाना, मन से मन को तन से तन को अब मिलाना है, इस जमाने को भुला के प्यार करना है। अरे आ जाना मेरे जाना, जल्दी आ जाना मेरे जाना, मन से मन को तन से तन को अब मिलाना है।
चांद धरती को निहारे, वही प्यार है, एक दूजे के सहारे, वही प्यार है, ये भी वो भी लव है हर जगह पे लव, ऐसे में जो हो गया तुझको मुझसे लव, जहाँ भी देखूं है लव। रुकिए सर, गाड़ी खराब हो गई, हमारे साहब को थोड़ा ड्रॉप कर देंगे? बुलाइए। थैंक्स सर, मिल गया। क्या कहा, चक्री मिल गया? सर आपको लिफ्ट देने वाला मिल गया। लिफ्ट के लिए वो रहा, अंदर डाल, जेल में एफआईआर रेडी कर ले। हाँ मैं अभी पहुंचता हूँ, कोई भी आए फिर भी छोड़ना मत, समझ गया ना, बहुत मालामाल पार्टी है वो। हाँ अभी आया। ओवर। ए क्यों रे, पुलिस को देखते ही हेलमेट पहन रहा है? आपको कैसे पता चला सर? भोसले, इंस्पेक्टर भोसले, बहुत शाना आदमी हूँ मैं। सर हाँ, उसका नाम चक्री बताया था ना सर? हाँ चक्री 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 चक्री, वो चाहे कोई भी हो, उसके माँ बाप भाई बहन चाचा चाची सबको पकड़ के अंदर डालो, शहर के किसी भी कोने में वो छुपाओ, वो मुझे चाहिए। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए फिर मैं उसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। अंदर क्या है, दिखाओ गाड़ी, खोलो, चलो चलो ठीक, निकलो, लाइसेंस और आरसी बुक निकालो। हाँ ये जा रहा सर, चलो आ गया आगे, ए इस तरफ से, ए तो पेपर दिखा। और नहीं सर। क्यों हो रही है ये चेकिंग? एक आतंकवादी शहर में, ऐसी खबर मिली है सर। आई सी सर, इन्हें आप जानते हैं क्या सर? नो, इससे तो लिफ्ट लिया है बस, चेक करो, हेलमेट उतारो, मुंह क्या देखते हो, जल्दी उतारो, क्विक। ए पीछे देख, वॉकी टॉकी है। सॉरी सर। अरे भाई हेलमेट उतारो। ओके सर। ओके थैंक्स। देख लिया ना? देख लिया सर। यही तो नहीं है? नहीं सर। मुझे एक गाड़ी मिलेगी क्या? रेडी है सर। ए चल निकल ले यहाँ से, चल। ए गाड़ी लाओ। हेलो भाई, मैं कदम्बरी सीरियल का प्रोड्यूसर बोल रहा हूँ, आज के सीन पेपर अभी तक नहीं आए। बॉस कदम्बरी सीरियल वालों का फोन आया है, आज के सीन की कॉपी अभी तक नहीं पहुँची। लास्ट सीन कहाँ पर रुका था? लास्ट सीन कहाँ पे रुका था? सुनो वो बम मंदिर की सीढ़ियों से लुढ़क कर नीचे आ रहा था। बॉस वो बम है ना, वो मंदिर की सीढ़ियों से नीचे जंप करके लुढ़क कर नीचे की तरफ जा रहा था। बॉस देखो एक काम करो, वो पूरा एपिसोड फुल वो बम जंप करके जंप करते हुए बिल्डअप देने के लिए डायरेक्टर को बोलो। देखो मैंने सब सुन लिया है, अब बता दो उसका नेक्स्ट एपिसोड क्या है। कृपया करके आप मुझसे बात ना करें, उन्हीं से बात करें। क्या पका था यार। हाँ हेलो सर, एक काम कीजिए सर, उस बॉम्ब में आप जरा बिल्डअप दीजिएगा। गिरता नेशनल हाईवे के ऊपर, नेशनल परमिट वाली एक गाड़ी के नीचे, धाम, ऐसा ब्लास्ट होगा कि आपकी सीरियल खत्म हो जाएगी। आप ये क्या बोल रहे हैं? सॉरी सर, दोबारा पकाना मत सर, आइंदा छोटे मोटे सीरियल नहीं लिखता, आज से मैं 1000 अबोव सीरियल लिखने वाला, सीरियल मूवी कृष्णा। यस, तेरा घर बर्बाद होगा। नेक्स्ट सीरियल। ए चक्री चक्री, तुम अभी तक गए नहीं क्या?
अभी जा रहा हूँ। देखो कल्याण मंडप में पहुँचते स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर सामान चेक कर लो एक बार। हाँ, उसके बाद ये ये आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स ही तो हूं मैं। तो नहीं है, आप मंडप में पहुँचिए, मैं जाकर सब देखता हूं। चक्री, पंडित जी को सब बता दिया था ना? उनके बगैर शादी कैसे होगी बुड्ढी? कौन है बूढ़ी? मजा किया माँ, तुम जाओ। भैया टेलर ने अभी तक ब्लाउज नहीं दिया है, क्या आप ऑन द वे कलेक्ट कर लोगे? तेरी सेवा के लिए तो हूँ मैं, मेरी माँ ले आऊंगा। रेनू, गोल्ड चेन बिल तेरे पास ही है ना? हाँ है ना। तो यहाँ क्या कर रही हो? चलो। क्या हुआ? इस डब्बा गाड़ी को छोड़ के बुलेट गाड़ी में चलने को कहा था, कहा था ना? चलो ऑटो से चलते, चाबी लो, चलेंगे। कहाँ जाना है साहब? बांद्रा जाना है। नहीं साहब, बांद्रा तो हम नहीं जाएंगे। क्यों भाई? देखो हमारी कार बिगड़ गई है। उसको पकड़ना है, चलो और तेज, और तेज, फास्ट फास्ट। ए चक्री रुक, चल घुमा गाड़ी, घुमा गाड़ी, घुमा, रुक, पीछे ले, रुक, गाड़ी जाने दे मेरे को, एक मत कहा जाएगा मेरे हाथ से, रुक, हट, सुन रहे, हटे, पीछे ले, ए, रुक रे, तू भाग के जाएगा किधर? हाँ, किधर जाएगा तू? भागो। भागो। ए, 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 रुक, ए, ए, रुक जा। सर, सीएम साहब जा रहे हैं। एक दिन तो हेल्प कर देती हूँ, मेरे घर आने के बाद रोज मत पूछना। रेनू, पंडित जी मंगल सूत्र मांग रहे हैं। हाँ देती हूँ, मैं करती हूँ, एक मिनट। क्या हुआ? मंगल सूत्र नहीं है। क्या कहा? मंगल सूत्र नहीं है? अरे चुप रहो। क्या हुआ रेनू? कुछ नहीं, कार में गिर गया होगा, चलो मेरे साथ। हाँ। आइए बैठिए बैठिए। कहाँ जा रहे हो? शशि ने कुछ मंगवाया है, वही लेने जा रहे हैं। अभी क्या चाहिए उसको? लड़कियों को कुछ भी चाहिए, तुम्हें क्या पता, हम अभी लेकर आते हैं। चलो रेणु, ठीक है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं पेट्रोल डलवा के आता हूँ। हाँ जल्दी आना। कहाँ गया? मिल गया। हिरनी की तरह भाग रही थी, अब भाग के दिखाओ, कहाँ है तेरा लवर? पता नहीं। ए! बोल, कौन है वो? मुझे नहीं पता। बेचारी, मतलब उस रात को वो तेरे साथ आया था, वनडे मैच था क्या? ए कनिका, क्या है? सिगरेट जला के पफ लगा के मुझे दे। ए, उसके होठों से पफ लगा के दे। पी ले। पीले, अरे पीले ना, ये ले। अपने मुंह से जब दम लगा कर देती थी, टेस्ट बहुत घटिया था, पर अब तो ये कश मजेदार है। जी पंडित जी, लाता हूँ, अभी लाता हूँ। चक्री, चक्री, मंगलसूत्र नहीं मिला। मंगलसूत्र लेने के लिए मैं और रेणु कार के पास गए, तो वहाँ इंस्पेक्टर भूसले आकर रेणु को पुलिस स्टेशन लेकर गया। चक्री, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, पर किसी को यह बात पता ना चले। लेकिन ये सब क्या रखा है तूने? कंडोम है? ये क्या चीज है? चक्री,
चक्री। तो तेरा पूरा नाम चक्रधर है क्या? स्टेशन में इनविटेशन आया है। ए! उस शादी के मंडप में खून की नदियां बहाएंगे, चलो। ले मैं आ गया, अब इसे छोड़ दे। ए! चक्री! छोड़ दो उसको। चक्री! चक्री! तुम जाओ, शादी होने से पहले किसी को पता ना चले। नहीं, तुम अकेले जाओ। रेणु, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो सब बाद में बताऊंगी, पहले मंगलसूत्र। चक्री कहाँ है? हाँ हाँ, मैंने इसको बोल दिया। हाँ मम्मी, भैया कहाँ है? चक्री को बुलाओ। यहीं कहीं होंगे, आ जाएंगे। चक्री कहाँ है बेटा? बाहर खड़े हैं, किसी मेहमान के साथ बात करता होगा, आ जाएगा। जीते रहो बेटा, खुश रहो बेटा। चक्री अभी तक आया नहीं? अभी आ जाएंगे। क्यों बे, बहुत दर्द हो रहा है तुझे? तुझे देखकर मुझे तरस आ रहा है, मुझे इसी वक्त मार डाल। अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया तो कसम खाता हूं मैं, बहुत पछताएगा तू। चक्री, अब यहीं रुको। घोसले। सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। चक्री कहाँ है? चक्री कौन है सर वो? ओ, आपके पहचान वाला खो गया है। देसाई जी सर, साहब की कुछ कंप्लेन है वो लिखो। स्टॉप इट, चक्री कहाँ है? क्यों भाई देसाई, चक्री नाम के किसी को अरेस्ट किया है? नहीं सर। सच बोल रहे हो ना? पक्का सर। देखा सर, इस नाम के किसी आदमी को हमने गिरफ्तार नहीं किया। भोसले, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, चक्री कहाँ है बताओगे या नहीं? हेलो, कौन हो भाई? हाँ सर, हा? क्या कह रहे हो? प्लीज सुनो। ए,
कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये देखिए चक्री की शर्ट का टुकड़ा। रोनी टेक इट ट्रेस हिम। कम ऑन सर, वो देखिए। चक्री ओह माय गॉड की शादी में किसी तरह की तकलीफ ना हो इसलिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी तुमने। जान बच गई बड़ी बात है। टूटी हड्डियों को फिर से जुड़ने के लिए कई महीने लगेंगे। टेक केयर ऑफ हिम। ठीक है सर। जिद कर रहे हो। मैं उस कमीने को नहीं बेटा छोड़ दो ये गुस्सा। तेरा ये जोश और जुनून हम समझ सकते हैं लेकिन इसके बदले तुझे क्या मिला? उसने अपनी दुश्मनी निकालने की खातिर तेरे साथ देखो क्या किया है। जाने दो बेटा भूल जाओ। हम लोग मिडिल क्लास के बेटा दर्द को सहने की शक्ति भगवान ने हमें नहीं दी है। तेरी मंजिल क्या है? पुलिस आरक्षक बनना है तुझे। उस दिन तक बस उस दिन तक धीरज रख चक्री। नमस्ते सर आइए। नमस्ते चक्री कैसा है? पेट की हड्डियों में बहुत ज्यादा घाव होने की वजह से उसे पहले की तरह होने में डॉक्टर कहते हैं 3-4 महीने लगेंगे। जो हुआ उसके लिए मुझे पछतावा नहीं है सर। खैर मेरा बेटा मुझे जिंदा मिल गया मैं तो खुश हूं। जिंदा बच गया सोचकर खुद को सफाई देने से कोई फायदा नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? सिर्फ 15 दिनों के बाद फाइनल टेस्ट है लेकिन चक्री की हालत देखकर मुमकिन नहीं लगता। दूसरी नौकरी होती तो हम कोशिश कर सकते थे मगर पुलिस जॉब के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत ही जरूरी है। जिस लड़के में काबिलियत है उसे पुलिस की नौकरी नहीं मिलेगी। छी! इंसान को अपना सपना पूरा करने में हजारों तकलीफें सामने आती हैं। उन सबको हरा के जीतने की ताकत चंद ही लोगों में होती है। We'll be right back.
अनबिलीवेबल। दवा से काम होगा या नहीं हम डरते थे, आत्मविश्वास से हर हाल में जीत सकते हैं, आज तुमने साबित कर दिया। स्टॉप। इसके दिल ने एक ताकतवर फैसला लिया है, फिजिकली हमारी तरफ से इसे जो चाहिए वो मदद नहीं एनकरेजमेंट है। कम ऑन चक्री, गेट अप। अभी तुम्हें खड़े होकर तैयार होते देखकर तो यमराज भी तुम्हें छूने से पहले डर जाएगा। उठो चक्री, उठ जाओ। अभारने का शब्द भूल जा तू, पढ़ना है आगे यार पढ़ता जा तू। जागो यारा जागो, जागो यारा जागो। अभारने का शब्द भूल जा तू, पढ़ना है आगे यार पढ़ता जा तू। जागो यारा जागो, जागो यारा जागो। ईमानदारी से जिए सारे दोस्त संग तेरे। जागो यारा जागो, जागो यारा जागो। अभर में तो शब्द भूल जा तू, पढ़ना है आगे यारा पढ़ता जा तू। जागो यारा जागो, जागो यारा जागो। एक नया कॉन्सेप्ट सोचा है बेटा। वो क्या है बॉस? दो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं, उन दोनों में ट्यूब के अंदर ही प्यार हो जाता है। अच्छा। ये पैसे वहाँ गिरे थे, आपके हैं? मेरे नहीं है। ओफो बेचारा, किसी के पैसे गिर गए अब वो क्या करेगा? ओहो, किसी के गिरे हुए पैसे उन्हें ढूंढ कर लौटाना चाहते हो ना? चोचवीट। बॉस, जो पप्पी तुझे यहाँ मिलनी चाहिए वो वहाँ शिफ्ट हो गई। बॉस ये क्या हो गया बेटा? बॉस एक आइडिया। बॉस बोलो बोलो बोलो। अंगूठी चेन सब कुछ उतार कर मिनी के पास जाना होगा। ये तेरा है ना मिनी, ऐसा पूछना होगा। और तब मिनी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये सब कुछ मेरा नहीं है क्रिश, ऐसा कहकर झट से आपको एक पप्पी दे देगी। बॉस मिनी 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 मिनी
ये अंगूठी, ये सब कुछ बाहर गिरे थे, ये तेरा है क्या? ये तो मेरे। ए, ये क्या हो रहा है यहाँ? बुढ़िया आ गई परेशान करने। ऐसा है कि चेन और अंगूठी बाहर गिरे थे तो पूछने आ गया कि मिनी के हैं क्या? लेकिन ये तो मेरे नहीं है। क्या बोल रही बेटी तू? ये सब इसी के हैं। मिनी बेटी, क्या तुझे याद नहीं है, ये चेन है ना, तेरे नामकरण पर खरीदी थी, और ये अंगूठियाँ तेरे जन्मदिन पर खरीदे थे। कृष्णा, एक सुपरहिट सीरियल में किरदार खींच कर लंबा करने की खुशी में मेरे प्रोड्यूसर ने प्यार से मुझे जो चेन दिया था, सुबह शाम मेहनत करके पसीना बहाकर पैसे जमा कर मैंने जो अंगूठियां खरीदी थी वो सब कुछ बुढ़िया ले गई। थैंक यू बेटा कृष्णा, यू आर ए गुड बॉय। सारे सर्टिफिकेट लिए हैं ना? हाँ लिए। हाँ लिए, एक बार देख लो यार। सर, साहब कहाँ हैं? ऊपर है सर, सब ठीक है यार। मिस्टर चक्रधर, गुड लक, ऑल द बेस्ट यार। चलेंगे क्या? तो क्या यहीं बैठे रहेंगे? ए, 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 वो अभी जिंदा है, इसलिए तो नजर आ रहा है। ए, चुप कर। ये लीजिए को। चक्री, चक्री, ए, कहाँ है चक्री? ए, सर, एक औरत है, जरा तमीज से बात कीजिए, कौन है आप? के भोसले, कड़क भोसले। उस लफंगे ने क्या किया तुझे पता है? रेप। ये क्या कह रहे हैं, मेरे बेटे ने? हाँ, रेप किया है, कत्ल किया है, ड्रग बेचा है, गांजा पता है, गांजा गांजा ये सब बेचता था वो। ऐसे ऐसे 50 केस डाल के उस हरामी को अंदर करूंगा। कल को उसका रिजल्ट आएगा, वो भी पुलिस बनेगा। नहीं बनेगा, पुलिस भी नहीं बनेगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा, मरेगा। ये देखो उसके सर्टिफिकेट्स, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल। मरेगा कमीना मेरे हाथों से, मेरे ऊपर हाथ उठाकर मेरे ही डिपार्टमेंट में आएगा। सर 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 सर, इसे जलाइए मत सर, उसकी जिंदगी का सवाल है सर, प्लीज इसे जलाइए मत, ये मुझे दे दो सर। ए जी, सुनिए तो, पुलिस वाला बनेगा, छोड़िए, नहीं सर, इसे मत जलाइए, छोड़ दीजिए, छोड़। बेटे से बहुत प्यार करती है ना? सर, ये क्या किया आपने? क्यों माँ ऐसे बैठी हो, आज आपकी बेटी ने फोन नहीं किया? क्या हुआ माँ? इंस्पेक्टर भोसले घर में आया था तुम्हारे पिताजी को। क्या हुआ? तुम बेटा पुलिस नहीं बन सकते अब। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वो घर में आया था, तेरे सब सर्टिफिकेट को मेरी आंखों के सामने ही जला दिया। जो सपने तूने देखे वो सब जल गए। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, उसने तेरे पिताजी को मारा भी। चक्री, कहाँ जा रहे हो?
आप पे हाथ उठाया मैं तो उसको नहीं। आपकी बात पापा, आपकी बात सुनकर मैं चुप रहा, वही मेरी गलती हो गई। कुत्ते का पिल्ला मेरे घर आकर मेरे माँ बाप पर हाथ उठाया, उसने मर्द है क्या वो? चक्री मेरी बात तो सुनो। आज तक चेहरा आईने में देखकर मुझे याद करता था ना वो, आज के बाद एक एक पल भी मुझे याद करेगा वो, एक एक पल। चक्री बेटा ऐसा मत करो। उसने आपको नहीं मारा, यहाँ मारा है उसने। गलती करने वाले को सबक सिखाना हमारा फर्ज है, यही कहते थे ना। देखो देखो उसने जो किया है वो गलती नहीं अपराध है, अपराध किया है उसने। उसे तुम कहाँ छुपाए रहे तेरा साहब? हाँ कौन सा साहब? ओह यही ना, मंत्री जी की मीटिंग में सिक्योरिटी देने गया है। जो ये जाति है एक बहुत ऊंची जाति है, हमें इज्जत चाहिए ही, इज्जत नहीं मिली तो पार्लियामेंट की कुर्सी लड़खड़ाएंगी। इतना ही नहीं हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे, यही सच है, हिंदुस्तान की कसम ये सच है। ओ मेरे हिंदुस्तान के नायक धर्म के असली वीर जवानों, हम सबको कई सदियों से ऊंची जात वाले दबाते आए हैं, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ बोलो। कमीने को बहुत मारो, उसने मुंह नहीं खोला तो केस को रफा दफा करो। ए चक्री आ गया तू, कैसे तेरे अरमान जला के आया हूँ। देखा ना, एक पब्लिक पुलिस पे हाथ उठाएगा तो क्या होता है पता चल गया? मेरे डिपार्टमेंट में आके मेरे सामने खाकी पहन के पुलिस बनेगा तू। ए क्या घूर रहा है, मारेगा क्या? फिर से मारेगा मुझे? चल मारना मारना। आइंदा तू ऐसे ही पड़ा रहेगा, धीरे धीरे मारूंगा तुझे। ए इंस्पेक्टर। मंत्री जी, ये कमीना क्या बोल रहा है देखिए, हमारी जाति के बारे में बुरी बातें कर रहा है। कौन ये आदमी जो हमारी जात के बारे में ऐसी बातें कर रहा है? इस वाले मुर्दाबाद। बकवास मत कर साले कमीने, मैंने कुछ नहीं कहा। हमारी जाति के बारे में झूठ बोल रहा है तू। क्या बात है, मार मार के भूलता बना दो साले का। मारो सर, आप वहाँ पर थे, ये बात किसने बताई? पता नहीं। पता नहीं, अच्छा मैं तो बच गया। पेन किलर दे देती हूँ, दर्द नहीं होगा। नहीं वो दवाई इन्हें नहीं चाहिए, उसकी याद इन्हें हमेशा आती रहनी चाहिए, यहाँ पर दर्द होते रहना चाहिए। ना कहने वाला तू कौन है? ठीक है तो दवाई ले लो। नहीं तो रहने दो। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या हो रहा है ये सब? मैंने ऐसा नहीं कहा था सर। तू पागल है? रैली में जाकर सिक्योरिटी देकर चुपचाप आ जाना चाहिए था, खामखा अपनी होशियारी वहाँ पर दिखा कर आने की क्या जरूरत थी? ये बताओ उनकी ही मीटिंग में जाकर उनके ही लीडर को क्यों गाली दी तुमने? छे, आने वाले इलेक्शन में हमारे और उनके लोगों ने साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया था, तुमने टांग अड़ाकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। शशि तुम्हें कौन पसंद है, बेटा या बेटी? मिनी क्या चाहिए मुझसे कहो, देने के लिए मैं रेडी। ए राइटर तू ऐसा ही बोलता रहा ना तो कल तुझे ना बेटी पैदा होगी ना बेटा, कुछ और ही पैदा होगा। मेरी भाभी को लड़का ही होगा। नहीं लड़की होगी। नहीं लड़का? लड़की कहा ना मैंने? मुझे लड़का पसंद है तुम्हें तो पता है ना? मुझे लड़की पसंद है तुम्हें पता है ना? लड़का होगा। लड़की?
शादी उन दोनों की हुई है, बच्चा उनको होने वाला है, तो ये क्यों झगड़ रहे हैं? रेनू कंगन कहाँ है, जरा दो ना। हाँ है ना, दो ना, उसे पहनाना है। अरे ये क्या, तुमने पहन लिया? आज गोद भराई है, कंगन पहनना कैसा होता है ये देखने के लिए मैंने ही पहन लिया। तुम भी ऐसे कंगन पहनोगी? अभी वक्त है, अभी दे दो। मैं नहीं निकल पा रही हूँ। हाँ निकलती नहीं, ओफो निकल ही नहीं रही। जरूर निकलेगा, किसी के हाथों में कुछ अटक जाता है उसे निकालने के लिए ही यहाँ पर महात्मा आए हैं। वो कैसे, मैं तो निकाल नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं निकलेगी माँ जी, ये तो क्रिकेट मैच फिक्सिंग जैसा है, वहाँ फंसता है आपका बेटा निकालता है। जो भी करना है बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। कुछ भी हो जाए मिनी के साथ मिलन करना ही पड़ेगा। यस बाथरूम की आवाज है,
पात्र में कौन होगा? दादी होगी क्या? अरे दादी मंदिर के पास है, बाथरूम में मिनी ही होगी। अब क्या करूं? इसे मैं जमीन पर गिराऊंगा और वो बाथरूम से निकलेगी, इस पर पैर रखेगी, फिसल कर गिरेगी और फिर देखना कृष्णा का कमाल। यस, ओ आ गई आ गई। क्या हो गया? फिसल के गिर गई। दर्द हो रहा है? अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर तुम्हारे पास आ गया। क्या कहा? मुझे मसाज करना आता है, करूँ क्या? करो ना। रुको, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लो, यहाँ पे नहीं। और थोड़ा ऊपर कर लो, यहाँ। मिनी, तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या? हो रहा है, इस फीलिंग को क्या कहते हैं? ये मसाज का कमाल है। ए मीनो, बुढ़िया आ गई। दादी तुम भी गिर गई क्या? लेकिन घबराना नहीं, अपना क्रिश है ना, बहुत बड़ा मसाज एक्सपर्ट है, तुम भी करवा लो। नहीं 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 नहीं, दादी मुझे सीरियल के एपिसोड्स लिखने हैं, मैं भाग रहा हूँ। क्रिश, दादी को मसाज कर दो ना। मैंने तुम्हारा कहना मैं नहीं टाल सकता। कहा? यहाँ। एक साहब आ गए। कनिका, रात को तेरी तबीयत खराब थी, ठीक हो गई क्या? ठीक हो गई सर। बड़ा मर्द बन के गया था वहाँ पर, मार खा के आ गया। अब देखो तो बड़ा मर्द की तरह बात कर रहा है। अरे असली मर्द तो वो है जिसने एक ही बार में निशान लगाया, ये मरते दम तक नहीं भूलेगा। ए, क्या कहा तूने? कुछ भी नहीं सर। ए, कुछ कहा इसने? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं? कनिका सच बताओ, साहब कुछ कमजोर है क्या? ए सिद्धा, तू भी मुझ पे हंस रहा है क्या? सर, लोग आप पे हंसते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? अरे उस कमीने को खत्म कर देना था। ठीक है, मैं ही उसे मार दूंगा। एक अच्छा शॉट भी नहीं मार सकता तू। मिनी, मिनी, एक चुम्मा दे, रेड क्वीन मेरी हो जाएगी। कुछ भी बकता रहता है। हमेशा बकबक करते हो, चुपचाप खेल। ओ दादी आई। खेलना, खेलना। कितनी देर हो गई, ये लोग कहाँ रह गए? आ रहे होंगे माँ, लगता है आ गए, मैं देखती हूँ। बेटा, नाना और मामा आए हैं, चलो देखते हैं। आ रही हूँ। शशि, नीचे आ जाओ, मैं देखता हूँ कौन है। ए अर्जुन, कौन है? तुम सब निकलो, पीछे जाओ, पीछे जाओ, चलो चलो पीछे जाओ, चलो चलो। शशि तू भाग जाओ, Oh, no!
जयशी जल्दी भाग चलो 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 जयशी को ले जाओ ले जाओ तुम हमारे साथ चलना भागो यहां से कुछ हो जाएगा चलो चलो मेरी बात सुन मैं चले जाऊंगा भागो भागो इस शहर में यमराज का एजेंट हूं मैं और उस हरामी को बचाने के लिए तू क्यों बीच में आया वो कहाँ है ये बताकर तू यहाँ से निकल सकता है तू पैसों के लिए जान लेने वाले तुझे प्यार दोस्ती के बारे में क्या पता है वो यहाँ पे 25 साल का दोस्त है वो मेरा उसके परिवार के लिए जान देने में भी फख्र होता है मुझे फख्र होता है मारेगा क्या मार दे मार दे मार अर्जुन अर्जुन क्या हो गया तुम्हें मुझे कुछ नहीं वो दोस्त कौन था वो सब सिद्धा मेरे चक्री जल्दबाजी में गलत कदम उठाना हम तो एक साथ पुलिस में भर्ती होंगे सपना देखा था सपना देखा था मतलब अब क्या हो गया तुम्हें पुलिस बनना है तुम्हें पुलिस बनना है अर्जुन बनेगा ना अर्जुन तुम पुलिस बनोगे ना अर्जुन 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 को मारा था तुझे इतना गुस्सा मेरी बेटी को मार के मेरी पत्नी को पागल बनाया मुझ में कितनी आग होगी चक्री
आज तक ये कानून से बच के भागता रहा। अब ये जुबान खोलेगा तो ही हौसले वाली कप्पा को अंदर कर सकते हैं। इसे जिंदा रखना है चक्री, मुझे जिंदा चाहिए। तुम्हें एक नेक पुलिस ऑफिसर बनना है। अर्जुन की आखिरी इच्छा यही थी, भूलना मत। जो हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, समझे? मेरी बात मानो, छोड़ दो इसे। सिद्धा और उसके छोकरों को मारने वाला चक्री था, ऐसी खबर आई है? बिल्कुल वही है, वही है, वही है। हेलो, कौन है? अपने बाप को फोन दो। हाँ? बाप को? समझा समझा, यही है, यही है। एक मिनट में देता हूँ। सर, आपके लिए फोन है। कौन है? ए इंस्पेक्टर, मासूमों पे हाथ उठा के क्या रे फाइटर बन के घूम रहा है तू? अबे तूने हाथ लगाया है हाई वोल्टेज करंट पे। आज तो सिद्धा को मारा है, कल तुझे मारूंगा। ए, 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 वो सब बाद में, उससे पहले थैंक्स। वजह जानता है तू? सिद्धा को मारा तुमने, प्रमोशन मिला है मुझको। तुम उसे नहीं मारते तो मैं ही उसे मार देता। स्पीकर ऑन करो। क्या कहा? दुनिया वालों की नजर में सिद्धा एक बड़ा मुजरिम है, लेकिन उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसे क्रिमिनल हमने ही बनाया। उस पर कोई केस नहीं थे, पर उसे बताए बिना मैंने ही उस पर कई सारे केस डाले। अब तो इसके ऊपर शूट एट साइट ऑर्डर निकला है। वो मुझे मिल जाता तो मैं ही उसे सड़क के कुत्ते की तरह मार डालता। ए, गली के कुत्ते कहीं के, आखिर तूने अपनी जात दिखाई थी ना? कौन है? हाँ, सिद्धा हूँ मैं। सिद्धा, तू जिंदा है? हाँ, अभी तक जिंदा हूँ मैं। सिद्धा, मेरी बात सुन। नहीं सुननी? जान की फिक्र किए बिना तेरे खातिर कितने लोगों को मैंने मार डाला, लेकिन आज तू प्रमोशन के खातिर मुझे ही मार डालना चाहता है। ए, तूने मुझे हमेशा तलवार चलाते हुए देखा है ना? उसी तलवार से काट कर कल ही मैं तुझे कब्र में पहुंचा दूंगा। ए, क्या हुआ है? अचानक ये तू सिद्धा का नाम लेकर क्या बोल रहा था? वो अब भी जिंदा है, मैंने जो बोला वो सब सुन लिया उसने। दस साले नालायक कहीं के, ये कैसा काम कर दिया तूने? वो अगर अभी तक मरा नहीं है तो हमारे प्लान के बारे में सब कुछ बता देगा। ध्यान से सुनिए सर, उन सब लोगों ने मिलकर रूलिंग गवर्नमेंट को गिराने के लिए कितना बड़ा प्लान बनाया है मैं आपको बताऊंगा सर। स्वामी श्री सुचेंद्र सरस्वती। ये क्या कह रहे हैं सर? एक कत्ल के केस में जब वो फंस गया था, उसके पीछे उसके लोगों की ताकत को देखकर पूरी सरकार ही डगमगा गई थी। ऐसे एक व्यक्ति को हम मार दे तो आपको क्या मिलेगा? गद्दी स्वामी जी की नहीं, मुख्यमंत्री की है। होम मिनिस्ट्री भी सीएम के पास होने की वजह से स्वामी जी की मौत के लिए सरकार ही जिम्मेदार है ये फैलाकर मुख्यमंत्री पद के लिए उसे नालायक साबित कर देंगे तो सीएम की गद्दी के लिए मैं ही हूं उम्मीदवार। सर, डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के हिसाब से स्वामी जी का ये रूट प्लान है। सिद्धा, स्वामी जी को कहां मारने का प्लान किया था? एयरपोर्ट से स्वामी जी की गाड़ी के एसवी रोड पर आते वक्त मुझे वहां रहकर ऑटो में बम रख के ब्लास्ट करने को कहा गया था। तुम हमें मिल गए हो तो प्लान जरूर चेंज हो गया होगा। उनका अगला प्लान क्या होगा सर? मोस्ट प्रोबेबली इस रामकृष्ण आश्रम के आसपास। नहीं सर, नानावती हॉस्पिटल, रामकृष्ण आश्रम या श्रृंगेरी मठ, इन तीनों जगहों पर सिक्योरिटी कम होने से कत्ल भी वहीं हो सकता है, ऐसा हम सोचेंगे, उन्हें पता होगा। लेकिन आपके दिए पुलिस ऑफिशियल लिस्ट के हिसाब से भोसले की पोस्टिंग सोमेश्वर मंदिर के पास है सर, इसलिए कत्ल की कोशिश होगी यहाँ पर। पर उन्हें किस तरह मारेंगे ये बात हमें कैसे पता चलेगी? सर, डेफिनेटली मेरी जगह पर किसी और को हायर किया होगा। सर, स्वामी जी के आने से मंदिर के पास पहुंचने तक उनके अगल बगल के लोगों पर और उनके पास आने वाली चीजों पर हमें नजर रखनी होगी। Thank you.
शांति, होल्ड द पोजीशन। जनरली जिस पे शक हो सके ऐसा कोई है? नहीं। ओके स्वाति, ओके। आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मेन गेट पे सर। यहाँ क्या कर रहे हो? दर्शन के लिए आया हूँ। वो सब बाद में, पोजीशन लो पहले। यस सर। हेलो, ओवर। सर, घोड़ा सर और स्वामी जी आ चुके हैं। ओवर। सर, कम है। हाँ बोलो। क्या कहा? सर प्लीज स्टॉप। एक्सक्यूज मी सर, सिक्योरिटी के लिए कलश को चेक करना होगा। ये क्या कर रहे हैं ऑफिसर? कोई बात नहीं, इन्हें अपना कर्तव्य निभाने दो। थैंक यू सर। प्लीज। प्लान के हिसाब से तो बम को कलश में होना चाहिए था। कलश में रखवाना पुलिस का दिमाग था, पॉलिटिकल दिमाग ने स्पॉट चेंज कर दिया। जरा हटो ना। अरे जाने दो मुझे। अरे हटो बाबा, आगे जाने दो मुझे, जाने दो ना, हटो। कहाँ जा रही हो बहन? स्वामी के चरण पे माथा टेको, मेरी दिव्या मुझे वापस मिल जाएगी, जाने दो मुझे। पीछे आने को कहो, पीछे पीछे। स्वाति, पैन बैग। यही है, ये है काली बाबू। ये तो उम्र कैद की सजा काट रहा था, ये यहाँ पर है याने। हेलो सर। हेलो, बोलो बेटा। सर वहाँ हवन कुंड के पास देखिए सर। क्या है, कुछ सुनाई नहीं देता। हेलो, क्या है? हेलो सर, सर वहाँ हवन कुंड के पास देखिए सर। हेलो, क्या हुआ? हाँ बोलो बेटा, क्या? हेलो हेलो हेलो। सर हटो ना बहन, मुझे स्वामी जी को देखना है। Ah!
आप हमारे साथ चलिए प्लीज। चलिए स्वामी जी से चलिए। आप हमारे साथ चलिए। मिलने मुझे। युद्धानं अधर्मस्य तदात्मानं